हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में आपको इस 3D विजुअल एनिमेशन के हेल्प से अलग अलग टाइप के स्क्रू ड्राइव के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे टोटल ये 7 स्क्रूज है। एक एक करके मैं इन सब के स्क्रू का नाम और इसका जो डिफरेंस एक दूसरे से कैसे है वो इस सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं इस एक नंबर वाले स्क्रू के ऊपर में। इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर स्क्रू। इसलिए स्क्वायर स्क्रू कहते हैं क्योंकि आप इसका हेड देख सकते हो कि इसके हेड में एक स्क्वायर बना होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसे स्क्वायर स्क्रू कहते हैं। और इसके अलावा इसे रॉबर्टसन ड्राइव भी कहते हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ उसके नीचे का पोर्शन आपको, ये देखिए। तो नीचे कुछ ये इस तरह का दिखाई देता है। ओके, सारे का नीचे का शेप सेम ही होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SQ और SD। ओके, अब ये बात करते हैं इस दो नंबर वाले स्क्रू को, जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्क्स स्क्रू। इसमें 6 पॉइंटेड स्टार पैटर्न होता है। ये जो ऊपर में ये जो है पोर्शन, इसमें 6 पॉइंटेड स्टार पैटर्न होता है इस तरह के स्क्रू में। देन जो अगला है वो ये थर्ड नंबर, ये है हमारा स्लॉटेड स्क्रू। इसमें हेड में एक स्लॉट बना रहता है, देखिए इस तरह का ये स्लॉट बना रहता है हेड में। ओके, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं SL स्क्रू। देन ये नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर में है वो है हमारा कॉम्बिनेशन स्क्रू। ओके, तो ये है कॉम्बिनेशन स्क्रू। इसलिए हम इसे कॉम्बिनेशन स्क्रू कहते हैं क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें स्लॉटेड और फ्लिप्स स्क्रू का कॉम्बिनेशन होता है। ये रहा स्लॉटेड स्क्रू का और ये रहा जो पोर्शन है ये फ्लिप्स स्क्रू का, इसलिए हम लोग इसे कॉम्बिनेशन स्क्रू कहते हैं। देन जो अगला है वो है ये फिफ्थ नंबर और ये है हमारे पास वन वे स्क्रू। अब फ्रेंड्स, इसको हम लोग वन वे स्क्रू क्यों कहते हैं, तो उसका रीजन यह है कि इसको हम लोग नॉर्मल स्लॉटेड ड्राइवर के यूज करके आसानी से इंस्टॉल तो कर सकते हैं, लेकिन जब हमें इस स्क्रू को बाहर निकालना हो स्क्रू ड्राइव को, तो हम लोगों को स्पेशल टूल का जरूरत होता है, इसलिए हम लोग इसे वन वे स्क्रू कहते हैं। देन जो अगला है वो है ये हमारा 6 नंबर, ये है फिलिप्स एंड फ्रियर्सन स्क्रू। ओके, तो इसमें जो पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इस तरह के स्क्रू में आप एक्स शेप्ड या ये प्लस का साइन जो रहता है इस तरह का शेप देख सकते हो। तो इस तरह के स्क्रू को हम लोग कहते हैं फिलिप्स एंड फ्रियर्सन स्क्रू। देन जो आखिरी में हमारे पास है ये 7th नंबर में, ये है सॉकेट हेक्स और एलन स्क्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर का हेड होता है इसमें हेक्सागोनल शेप बना रहता है, ठीक है, और इसको हम लोग यूज करने के लिए एलन रेंच का जरूरत होता है, इसलिए हम लोग इसे सॉकेट हेक्स और एलन स्क्रू कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 7 अलग अलग तरह के स्क्रू जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए कि मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, गुड बाय।